हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रैंकर स्ट्रेटजी में मैं चंदन आप सबको स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे आप सब। फिर अपने रूटीन के अनुसार आज लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेकर आया हूं। इस बीच में आप देख रहे होंगे कि ट्विटर पे ट्रेंड किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, और सरकार को कही जा रही है कि एग्जाम को टाइम से लिया जाए। सर लोग लगे हुए हैं, तो मेरा भी निवेदन है कि आप सब जरूर ट्विटर पे ट्रेंड करें, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक के, जहां होता है आप विरोध जताएं और ट्रेंड करें, उसका साथ दें, ताकि समय से चुनाव तो हो सकता है किंतु एग्जाम नहीं हो सकता। रेलवे के एग्जाम को आज 2 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, SSC का वही हाल है, BPSC भी एक टर्म कंप्लीट होने में 3 साल लग जाता है, दरोगा का एग्जाम का वही हाल है। तो इसलिए विरोध जताइए, हम लोगों को किसी सरकार से विरोध नहीं है, किंतु एग्जाम समय से तो होना ही चाहिए। तो इसलिए हमें अपने विद्यार्थियों से अनुरोध है, दोस्तों आप लोग भी साथ दीजिए इसमें और आगे रहिए, ताकि लड़ाई हम सब की है, एक की नहीं है। बेरोजगारी है तो लड़ाई सबकी है, आप सब साथ दीजिए, इसलिए मेरा कहना फर्ज था और आप सब लगिए इसमें। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर को शुरू करता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे भी। उस दिन आपको पढ़ाया गया था वैदिक सभ्यता, जिसमें आया था कि आर्यों के विकसित सभ्यता क्या थी। तो आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी, तो इसका आंसर होगा ग्रामीण सभ्यता। नोट कर लीजिए, याद होगा आप लोगों को, मिलाइए, नोट नहीं करना है। ग्रामीण सभ्यता थी, आप लोगों को याद होने चाहिए। यहाँ सवाल लिखने का मतलब है कि आप लोग कितना लिखे हैं, मेरे सवाल बोलते समय आप तुरंत आंसर करें, आप बोर्ड पर से देकर मिलाए नहीं, आप आंसर तुरंत करें। हालांकि मैं लिख देता हूं, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ग्रामीण सभ्यता थी, अंग्रेज सिखों और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी, लाहौर की संधि। कब हुई थी? 9 मार्च 1846 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, मैं यूं ही नहीं लिख दिया, मन लगाने के लिए डेट नहीं लिख दिया। मेरे लिखने का मतलब है कि बीपीएससी, एसआई, ये सब मतलब स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम डेट पूछ लेते हैं, मैं यूं ही मन लगाने के लिए, मन बहलाने के लिए डेट नहीं लिख दिया। 9 मार्च 1846 इसलिए लिखा ताकि आप डेट पे भी ध्यान दें। मेरे यहाँ लिखने का मतलब होता है कि आप ऐसे ऐसे बिंदु पे भी ध्यान दें, इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही सिर्फ पाई जाती है? नहीं नहीं, पाए तो बहुत सारे जाती है, मुख्यतः रूप से यही पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय अधिक मुख्यतः रूप में यही पाई जाती है, बाकी बहुत पाए जाते हैं। तो बारिश में ही मैंने बताया दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में बारिश अधिक होती है, इसके मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी बारिश नहीं होती, होती है, उससे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स में दिया था, इसलिए मैं पूछ लिया, ये बुक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। ये बुक ये पूछा गया है, 3-4 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने 3-4 बार सवाल पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं यहां पर लिया। संविधान की कुंजी किसे कही जाती है? प्रस्तावना को। संविधान के कुंजी प्रस्तावना को माना जाता है, बाकी आप उसके बारे में और सारे सवाल देख लिए होंगे, और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जरूर लगाते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब भी लगाइए। जी का मान सबसे अधिक कहां पे होता है? जी का मान सबसे अधिक कहां होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर, पोल पर, जो इंग्लिश में था उसमें पोल ध्रुव। हाँ देखिए, एक मैसेज आया कि सर आप इंग्लिश में क्यों नहीं लिखते हैं? इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि बिहार में हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ज्यादा हैं और ज्यादातर करके हिंदी मीडियम विद्यार्थी को समस्या है, वरना इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में भी लिख देंगे, चैप्टर का नाम पढ़ाते समय इंग्लिश में बोल भी देंगे, किंतु हिंदी मीडियम विद्यार्थी ज्यादा हैं, हमको समय जो 25 मिनट का वीडियो 50 मिनट लग जाएगा, दोनों भाषा में बोलने में कोई समस्या नहीं है, इसलिए नहीं बोलते हैं।
जब और सारे कोर्स शुरू होंगे तो आप इंग्लिश में भी बोल दिया करेंगे। जिसे थोड़ा सा मैनेज की, इसमें चैप्टर का नाम ही तो है और मैं क्या लिख रहा हूं ऐसा। एसपी टू का आकृति कैसा होता है, यह सवाल पूछ लिया जाता है। एसपी टू का आकृति कैसा होता है, एसपी थ्री का आकृति कैसे होता है, एसपी डी थ्री का आकृति कैसे होता है, एसपी डी टू का आकृति कैसे होता है, एसपी का आकृति कैसे पूछा जाता है। तो इसका आकृति होता है त्रिकोणीय। इंग्लिश वर्ड में ट्रायंगुलर होता है। एसपी टू का आकृति कैसे होता है, तो त्रिकोणीय होता है। इंग्लिश वाले समझेंगे ट्रायंगुलर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक करंट जो दिया गया था कि जनवरी के करंट जो मंथ का आया था उसमें से आर्थिक समीक्षा कब पेश किया गया, अब बताइए। तो आर्थिक समीक्षा पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण पहली बार ऐसी वित्त मंत्री है जो महिला वित्त मंत्री है, वो भी पूर्ण रूप से वित्त मंत्री है। नहीं तो इसके पहले इंदिरा गांधी रही थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं रही थी, प्रधानमंत्री रहते हुए वो कार्यकाल ली हुई थी। पूर्ण रूप से पहली बार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी है अपने भारत में। महिला वित्त मंत्री कोई पहली बार बना है निर्मला सीतारमण, जो कि 31 जनवरी 2020 को निर्मला सीतारमण पेश की। ये सवाल हमने क्यों ले लिया आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमी सर्वे ठीक से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ये सवाल आता रहता है इकोनॉमी सर्वे और बजट से। तो देख लीजिएगा, निर्मला सीतारमण पेश की थी और जनवरी के जब आप इकोनॉमी पढ़े हैं तो इकोनॉमी सर्वे पढ़ना ही चाहिए, हर सूरत में ये नहीं छूटना चाहिए। ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है किस पे उन्होंने ध्यान दिया, क्या क्या कहा, निर्मला सीतारमण पेश की, आज तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बजट को पेश किए हैं। हालांकि तीनों गांधी परिवार से ही रहे, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव भाई, तीनों लोग आज तक पेश किए हैं, बाकी लोग नहीं किया। तीनों प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री रहे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने पेश किया था। तीन बार सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, बस यही याद रखना है कि तीनों लोग वहीं उन्हीं घर के तीनों लोग पेश किए हैं, क्योंकि वो लोग प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री रहे हुए थे, इसलिए उन लोगों ने पेश किया। ठीक, चलिए अब इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आज का लेक्चर शुरू करूं। चलिए ले भी लिए होंगे आप सब, अब मैं इरेज करता हूं इसे। तनाव लेकर नहीं पढ़ना है दोस्तों, एग्जाम तो होना है, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो एग्जाम तो होना है। चुनाव नहीं होता तो एग्जाम शायद नहीं होते, फिर लेने की जरूरत भी क्या थी। एग्जाम नहीं तो चुनाव नहीं हो तो फिर एग्जाम लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो बीपीएससी 3 साल पे लिए जाते, दूसरा 3 साल पे भी लिए जाते। चुनाव है इसलिए एग्जाम लिया जा रहा है, चलिए इसी बहाने चांस तो मिला। चलिए महाजनपदों का उदय, पेज नंबर नोट कीजिए, पेज नंबर 6 है महाजनपदों का उदय, और इसको लगाइए वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा सकते हैं लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछ लिया जाता है कि राज्य पूछा जाए, पूछा गया राजधानी कहाँ है उसकी, तो जगह कहाँ पे था उसकी राजधानी क्या थी। जिस तरह अंग था चंपा होगा, मगध, गिरिवज्र होगा, काशी, वाराणसी, तो ऐसे उसमें टेबल बना के दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य, यहाँ राजधानी लिखा हुआ है। तो इसको आप याद करेंगे, 16 महाजनपद थे, और ठीक से याद करेंगे 16 महाजनपद, क्योंकि सीधे पूछ लिए जाते हैं कि मगध का क्या होगा, तो गिरिवज्र होगा, काशी, वाराणसी होगा, अंग का चंपा, ये याद करना है। और एरिया कहाँ पाए जाते हैं ये भी ठीक से याद कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ अपने बिहार में भागलपुर में भी पाए जाते हैं, तो इसलिए जो बिहार का होगा उसको और ध्यान देना है, और ऐसे 16 याद करना ही करना है। पिछले बार के दरोगा में ऐसा सीधे पूछ लिया गया था, पिछले बार के दरोगा में महाजनपद से एक सवाल आए थे और सीधे पूछे गए थे इसकी राजधानी कहाँ पे है, अब बताइए। तो महाजनपदों का उदय बीपीएससी में पूछा था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख कर याद कर लीजिए। बहुत लोग पढ़ के याद होता है, किसी किसी को लिखकर याद होता है, तो याद कीजिए और लिखिए, किंतु याद होना चाहिए, मेन मकसद है याद होना चाहिए बस। चलिए टॉपिक 2 मॉडर्न हिस्ट्री का, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, पेज नंबर 39 से 41 तक नहीं है, हालांकि 44 तक है। इस चैप्टर को हम लोगों को 2 या 3 दिन में लेना पड़ेगा, मैं देख लूंगा कितना सुटेबल होता है। अभी आप यहां तक लें जो कि 1757 से लेकर के और 1862 तक कैनिंग रहे थे, हालांकि 1858 मेरा उद्देश्य था देना, लेकिन वो रह गए थे 1862 तक। तो पूछा भी जाएगा आपसे कि 1857 के युद्ध में कौन से गवर्नर जनरल थे, अब वायस राय, तो आपको बोलना पड़ेगा लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, और उसके बाद प्रथम वायस राय कौन रह गए, तो लॉर्ड कैनिंग के ही प्रथम वायस राय भी बना दिया गया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
और ये जरूर याद रखेंगे कि प्रथम रॉबर्ट क्लाइव से लेकर प्रथम जो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव बना था उस समय से लेकर के, और क्या कि किसके रीजन में द्वैत शासन आया, कब प्लासी का युद्ध हुई, अंग्रेजों के शासन के लिए प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज के शासन करना शुरुआत हुआ 1757 ईस्वी में, और बक्सर 1764 में होकर के उस पर मोहर लगा दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, बक्सर 1764 में हुआ, किसके किसके कारण हुआ, कौन कौन अंग्रेजों के साथ मिले, उसमें शासन क्या बदला, द्वैत शासन कब हुआ, किसके काल में मदरसा की स्थापना हुई, किसके काल में प्रथम कॉलेज की स्थापना हुआ, किसके 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 काल में देख लीजिए किसके काल में कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापना हुई, किसके काल में विधवा विवाह प्रचलन थी, किसके विवाह में किसके काल में कौन सा खत्म हुआ, ये सब गोद प्रथा कब खत्म किया गया, प्रथा प्रथा कब खत्म किया गया, ये सब चीज जरूर जानेंगे आप सब। किसके काल में खत्म हुआ और कब कब क्या शुरू किया गया, आप ध्यान रखिएगा 1857 में बोल रहा हूँ, 58 बोल रहा हूँ, इसके मतलब कि रेलवे भी 1853 में इसी में शुरू हुआ था। कहीं अब किसके काल में शुरू हुआ था आप देखेंगे, ये आपकी काम है, रेलवे से शुरू हुआ था, ये ध्यान देंगे आप। बीच में क्या क्या हुआ, कौन से युद्ध हुए, कौन से आंदोलन हुए, किसके काल में हुए, ये हर कुछ आप ध्यान देंगे। कब कोर्ट की स्थापना हुई थी, किसके काल में हुई थी, किसके काल में मद्रास से गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसके काल में कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन में मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को दे दिया गया, तो ये सब चीज आप ध्यान देंगे। चलिए चैप्टर नंबर 3 भारत की मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना भी चाहिए। चलिए पेज नंबर 103 नोट कीजिए, पेज नंबर 103 भारत की मिट्टी। अब इसमें पढ़ना, मिट्टी में आप पूछा क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इसको पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या उसकी खासियत है, क्या उसकी खासियत है, कौन से फसल के लिए अच्छा है जलोढ़ मिट्टी, सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है। अपने बिहार में पाएंगे तो गंगा जो बीच से डिवाइड करती है दो पार्ट में, तो जलोढ़ मिट्टी में भी होता है बांगर और खादर मिट्टी, तो दक्षिण साइड में बांगर पाया जाता है या खादर पाया जाता है, बांगर किधर पाया जाता है, खादर किधर पाया जाता है, बांगर खादर दो टाइप की मिट्टियाँ जलोढ़ में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो लेटराइट मिट्टी किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसकी खासियत है, मिट्टी में कितना वर्षा को सोख सकता है, कौन से फसल के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, काली मिट्टी में जिस तरह की गेहूँ जौ मक्का ये सब चीज़ें, जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ जौ मक्का इत्यादि, तो ये सब चीज़ देखेंगे कि कौन से फसल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, अपने बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस देश में, देश के कौन कौन से राज्य, एक बार मैप जरा उठा लेंगे, कष्ट करेंगे थोड़ा सा मैप उठा लेंगे, नहीं समझ में आएगा मैं समझा दूंगा कि मिट्टी कौन से कहाँ पाई जाती है, देश के कौन से भाग में ज्यादातर मिट्टियाँ पाई जाती हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट का आपको याद होना चाहिए, एक ओवरव्यू तो होना ही चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बिहार में, अब गंगा विभाजित करेंगे बीच से पटना को, पटना होकर तो आप पाएंगे ना कि उत्तर और दक्षिणी भाग, तो किधर बांगर पाया जाता है, किधर खादर पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी अधिकांश क्यों पाया जाता है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, थोड़ा तो जानना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। बाढ़ जिस क्षेत्र में आएगी उस क्षेत्र में मिट्टियां हर साल लाती रहती हैं बाढ़, तो वहां बदलते रहती हैं, तो बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, जानिए कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहिए। चलिए टॉपिक 4 इकोनॉमी का उठाते हैं, भारतीय वित्त व्यवस्था, पेज नंबर 134 से 136। चलिए पेज नंबर 134 भारतीय वित्त व्यवस्था, इसमें आपको पढ़ना है बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब चीज आप पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, बैंक वाली बातें थोड़ा ध्यान देंगे और ठीक से देखेंगे, थोड़ा ये सब चीजों को ठीक से, टर्मोलॉजी सीधे पूछ लिए जाते हैं इसलिए थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल में ऑप्शन में देगा और पूछ लेगा इसको क्या कहते हैं, बैंक रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेती है उस रेट को क्या कहते हैं, बैंक जिसको अपना रुपया जमा करता है, रिजर्व बैंक जो लोन देती है उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़े, तो टेक्निकल बातें हैं तो आप मन से पढ़िएगा, ध्यान से नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं टर्मोलॉजी को समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, मैं चीज को समझा दूंगा, देख लूंगा ऐसा क्या है। चलिए इकोनॉमी के चैप्टर पढ़ लेंगे, तनाव नहीं लेना है, धीरे धीरे आराम से पढ़ना है। संविधान की अनुसूची बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने अनुसूचियां हैं, अनुसूची कितने हैं, 12 हैं, पढ़ लीजिएगा, जब संविधान बना था उसमें 8 ही अनुसूची था, 4 अनुसूची को किस किस
समय में संशोधन करके जोड़ा गया, ये पढ़ लीजिएगा। 12वां अनुसूची में क्या लिखा गया है, जिस तरह पहले में राज्य क्षेत्र का नाम लिखा गया, उसमें तो राष्ट्रपति का सबका जगह लिखा गया है, तीसरे में जब लिखा गया शपथ ग्रहण लिखा गया है, चौथे में लिखा गया राज्यसभा के प्रति, पांचवे में एससी और एसटी का अनुसार लिखा गया है, छठा में मिजोरम नगर का राज्य का नाम लिखा हुआ है, सातवें में तो पढ़ लीजिएगा कुछ राज्य के वहां भी बंद दिए गए हैं पुलिस व्यवस्था के कारण, आठवीं में भाषा दिए गए हैं जिसमें 22 भाषा है, शुरू हुई थी उसमें कितने भाषा थी, अभी 22 कब कब जुड़ के बन गया है, ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा। नौवा अनुसूची पढ़िएगा, फिर नौवा में देखिएगा वहां पूछेगा जी कौन सा ऐसा अनुसूची है जिस अनुसूची में डाल देने के बाद जुडिशियरी व्यू नहीं हो सकता है, तो उस अनुसूची का नाम है नौवे अनुसूची, जो केंद्र सरकार के हाथ में बहुत बड़ी चीज है, नौवे अनुसूची में डाल दिए ताकि चंद्र ना हो सके। दसवीं अनुसूची को याद रखेंगे, तीसरा नाम होता है दल बदल। ग्यारहवीं अनुसूची पंचायत, पंचायती राज जब शुरू होता पंचायत के लिए बना हुआ है। बारहवीं अनुसूची नगर पंचायत, किसमें कितना विषय है, 259 नगर पंचायत में ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज अनुसूची पूरे याद रखेंगे, किस किस में कौन सा आया था अनुसूची, कब संशोधन करके बनाया गया, शुरू में अनुसूची आर्टिकल कितने थे, शुरू में जब संविधान बने थे 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी, जो कि आर्टिकल तभी इतना ही है 395 ही आर्टिकल है, हालांकि हो तो गए 1400 के आसपास, लेकिन इसी में ए बी सी डी ई एफ जी एच जिस तरह 243 संविधान में सबसे लंबा आर्टिकल है, 243 बहुत लंबा आर्टिकल है, तो उसी में सब सेक्शन करके दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 395 अभी है, लेकिन अनुसूचियां जो 8 थी वो 12 हो गई है, अनुसूची 8 से 12 हो गई है, आर्टिकल 395 है, तो ये पढ़ लेंगे ठीक से आप। उसके बाद देसी रियासत, जिस तरह हैदराबाद को कैसे विलय किया गया, जूनागढ़ को कैसे विलय किया गया, कश्मीर को कैसे विलय किया गया था, संधि पत्र से हुआ, पुलिस बल से हुआ, ये आप देख लेंगे। जूनागढ़ हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तीनों को विलय किया गया था बाद में, और किस कैसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे विलय किया गया था, पेज नंबर नोट कीजिए 1757। और इसी में एक छोटा सा टॉपिक था संघ राज क्षेत्र, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ध्यान से पढ़ेंगे, बोलेंगे तो मैं अभी बोल दूंगा ना, पढ़ेंगे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो विलय पढ़ लीजिएगा, हैदराबाद का विलय, जूनागढ़ का विलय और जम्मू कश्मीर का विलय, और आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ना है, और अनुसूची पढ़ना है, याद करना है, ऐसे पढ़िए याद हो जाए, दोबारा लौट कर ही देखना है। चलिए छठा फिजिक्स का चैप्टर हम लेते हैं, दाब और पल्लवन, जो कि आप इंग्लिश में समझते होंगे तो समझेंगे, प्रेशर इसका ए पढ़े, ऐसा यूनिट क्या है, सदिश है कि अदिश है, उस दिन बताए हुए थे उस आद्रता को चाबी दो, दाब क्या है, एक अदिश राशि है, तो और पल्लवन बायोस फोर्स, या इसको इंग्लिश में पढ़ते होंगे वो ऐसे पढ़ लेंगे, तो इसको ठीक से पढ़िएगा, बहुत हमेशा टॉपिक है। सातवां टॉपिक केमिस्ट्री के लिए है, अम्ल भस्म और लवण, या अम्ल क्षार और लवण कह लीजिए, इंग्लिश में वो समझते होंगे वो समझ लेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट समझेंगे। इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक कहने का मतलब दो ही सवाल पूछने वाले के सामने, दो सवाल, पीएच मान जरूर याद करना है, ठीक से याद करना है पीएच मान को, शुद्ध पानी का क्या होता है, उदासीन होता है, ये होता है, इसलिए पीएच मान जरूर पढ़ेंगे, अम्लिक 0 से 7 और 0 से 7 इतना, तो किधर अम्ल होता है किधर क्षार होता है, एसिड बेस, इसको रटेंगे, पीएच मान ठीक से पढ़ेंगे। पीएच मान के बाद वो प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, और स्रोत के बाद उसका उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं और स्रोत में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये जरूर पढ़ेंगे आप। जिस तरह सिरका है एसिटिक अम्ल, संतरा है साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये पढ़ेंगे जो कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। चलिए अंतिम टॉपिक आज का, जनवरी में ही पॉलिटिकल राजनीतिक बातें आज पढ़ेंगे, जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स है, जो डेट से पढ़ रहे हैं 8 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, जनवरी का पॉलिटिकल पढ़ेंगे, जो डेट से पढ़ रहा वो 8 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की लेक्चर आज ही खत्म हुआ, संडे को मैथ्स का एक टॉपिक लिया जाएगा, अभी डिसाइड नहीं है कि कौन सा लिया जाएगा समय के अनुसार, लेकिन लिया जाएगा जरूर, जब वादा किए हैं तो पूरा करेंगे और संडे को टॉपिक लेंगे। ठीक है दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, टेंशन बिना लिए हुए पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो हमें मैसेज कीजिए, और अपने दोस्तों में प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और देखते रहिए वीडियो, हमारे साथ जुड़िए और दोस्तों को भी जुड़िए, धन्यवाद, दैट्स ऑल, थैंक यू।